नमस्कार, मैं हूं अनन्या मिश्रा और आपका स्वागत है इनसाइड भारत टीवी पे। गोरखपुर का आन बान शान सम्मान यदि कुछ है तो वो है गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस गोरखपुर का रेलवे स्टेशन, जो अपनी खूबसूरतियों से गोरखपुर का नाम रोशन करते हैं, जिसे पूरा भारत जानता है। वहीं अब अगर बात करें गोरखपुर के इन धरोहरों पर, तो गोरखपुर वालों का अब गर्व दो गुना बढ़ गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति का पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा, जिससे और ज्यादा खुशी और गर्व बढ़ गया है। अब आपको बता दें कि गीता प्रेस को यह पुरस्कार अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। वहीं सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जूरी ने सर्वसम्मति से गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुनने का फैसला किया है। इस ऐलान के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से गीता प्रेस को बधाई भी दी। सांस्कृतिक मंत्रालय के बयान में यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शांति एवं सामाजिक सद्भाव के गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा देने में गीता प्रेस के योगदान को याद किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गीता प्रेस को उसकी स्थापना के 100 साल पूरे होने पर गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना संस्था की ओर से सामुदायिक सेवा में किए गए कार्यों का पहचान है। वहीं अब आपको बता दें गीता प्रेस के बारे में भी जानकारी दे दें कि गीता प्रेस की शुरुआत सन 1923 में हुई थी और यह दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है, जिसने 14 भाषाओं में लगभग 42 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की है, जिनमें श्रीमद् भगवत गीता की लगभग 16.5 करोड़ प्रांतियां शामिल हैं। और गीता प्रेस में जितने भी किताब छपते हैं वो साफ सुथरे तरीके से छपते हैं। बाहर के कारीगर बगैर चप्पल, बगैर जूते के, नंगे पांव आस्था के साथ कार्य करते हैं, जिससे लोगों के आस्था से खिलवाड़ ना हो, लोगों के आस्था को ठेस ना पहुंचाया जाए। वहीं गांधी शांति पुरस्कार 2021 मानवता के सामूहिक उत्थान में योगदान देने के लिए गीता प्रेस के महत्वपूर्ण और अद्वितीय योगदान को मान्यता देता है, जो गांधीवादी जीवन को सही अर्थों में व्यक्त करता है। अब आपको गांधी शांति पुरस्कार क्या है ये भी बता देते हैं। यह एक वार्षिक पुरस्कार है जिसकी शुरुआत सरकार ने 1985 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर गांधी द्वारा प्रतिपादित आदर्शों को सम्मान देते हुए की थी। वहीं अब आपको बता दें यह भी कि मंत्रालय ने कहा है कि पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। जी हाँ, चाहे उसकी राष्ट्रीय, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग कोई भी हो, सबको दिया जा सकता है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए, 1 प्रशस्त पत्र, 1 पट्टिका और 1 उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला वस्तु शामिल है। वहीं हाल के समय में आपको बता दें कि सुल्तान कबूस बिन शैद अल शैद ओमान 2019 और बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान 2020 बांग्लादेश को यह पुरस्कार दिया गया है। आपको हमारी खबर कैसा लगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।